नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का NCERT के लाइव फोन इन प्रोग्राम में, और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। और दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वो है म्यूजिक। म्यूजिक में हम जानेंगे राग भैरव का संक्षिप्त में परिचय और उसका प्रस्तुतिकरण। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दिव्या जी। जी, इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सुझाव है, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है cit.kishoremanch@gmail.com। यहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर देखने के लिए आप टाइप करेंगे NCERT ऑफिशियल और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इस लाइव कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। लगातार एक्सपर्ट बने हुए हैं अलग अलग विषय से हमारे साथ, आपकी साथ काफ़ी सारी जानकारी साझा करने के लिए और आपको काफ़ी सारा ज्ञान देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आज के सेशन में डॉक्टर शिल्पा हमें क्या कुछ बताने वाली हैं। जी डॉक्टर शिल्पा। जी दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। जी, दिस इज डॉक्टर शिल्पा मिश्रा। आई वाज अ गेस्ट लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वाज एंड आफ्टर दैट आई हैव डन मेनी जॉब्स इन मेनी स्कूल, वेरियस स्कूल, एंड राइट नाउ आई एम अ टीचर इन स्वर्ण लेक्चर एज वेल एज आई एम अ परफॉर्मर ऑल्सो, एंड आई एम फ्रॉम बनारस हरिहरपुर घराना। And I'm learning music under the guidance of my father, Pandit Bholanath Mishra ji, and my Tauji, Pandit Dinanath Mishra ji. सबसे पहले हम म्यूजिक के बारे में जानते हैं। राग भैरव है लेकिन संगीत के अंदर है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो संगीत क्या है? जी, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों का समावेश होता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में दो प्रकार के संगीत होते हैं दिव्या जी। एक होता है उत्तर भारतीय संगीत, एक होता है दक्षिण भारतीय संगीत, यानी कि नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन। तो मैं उत्तर भारतीय संगीतकार हूँ और मैं यहाँ पे उत्तर भारतीय संगीत के बारे में ही ज्यादा बताऊंगी। उत्तर भारतीय संगीत का जो प्रचार है वो बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेरठ, यूपी, इन जगहों पे इसका प्रचार प्रसार है। और जो दक्षिणी भारतीय संगीत है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मैसूर, यहाँ के जो संगीतकार संगीत करते हैं उसे हम दक्षिणी भारतीय संगीत कहते हैं। अच्छा, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत में जो हमारे उत्तर भारतीय संगीत के जो भातखंडे जी थे, महान विद्वान भातखंडे जी, उन्होंने हमें 10 थाट बताए। तो जो मैं राग भैरव बताऊंगी उसके पहले ये पता होना है बच्चों को बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो है 9th and 10th के बच्चों को सिखाने का फॉर्मेट। तो उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी कि राग भैरव जो है, राग क्या है। पहले तो जो भातखंडे जी थे उन्होंने 10 थाट बताए। तो हमारे जितने भी उत्तर भारतीय संगीत में जितने भी राग है वो 10 थाट से उत्पन्न है। अब यहाँ प्रश्न बच्चों के मन में आएगा कि थाट क्या होता है, व्हाट इज थाट। सी, थाट 7 सुरों का वह समूह है जिससे सारे राग उत्पन्न होते हैं। तो 10 थाट में ये नहीं होता है कि जैसे राग में आरोह अवरोह होता है, पकड़ होता है, 10 ये थाट में ये होना इज नॉट कम्पल, मतलब नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है। थाट केवल 7 सुरों का समूह है जिससे सारे तरह तरह के राग उत्पन्न हो रहे हैं। राग भैरव की बात हो रही है। राग भैरव एक थाट राग है, दैट्स व्हाई मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज थाट। तो राग भैरव खुद एक थाट राग है क्योंकि भैरव जो है वो थाट है। 10 थाट में भैरव भी एक थाट है जिससे कि राग भैरव उत्पन्न हुआ है। थाट भैरव, राग भैरव। तो राग भैरव इज अ जनक राग एंड थाट राग ऑफ भैरव थाट। एंड टाइमिंग ऑफ द राग इज अर्ली मॉर्निंग, this is when it will sound very melodious. So that's why I want to elaborate this Raag Bhairav, because this is the time when we can sing Raag Bhairav. Ji. So Raag Bhairav mein main presentation dungi abhi bachcho ko. Ji. Ab Dr. Shilpa aap hame sun pa rahi hain? Ji bilkul. Ji. Jaisa ki hum dekh rahe hain ki ye subah ka pahar hai, इस समय पर कौन सा राग गाया जाता है?
पहले तो इसकी हमें जानकारी दें और उसके बाद मैं चाहूंगी कि उस राग को आप यहाँ पर परफॉर्म भी करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं दिव्या जी। राग भैरव जो है ये सुबह का ही राग है, प्रातःकालीन राग है, दैट्स व्हाई मैं राग भैरव मैंने ये टॉपिक चूज किया बच्चों को सिखाने के लिए। इस समय हम अहीर भैरव भी गा सकते हैं, बैरागी भी गा सकते हैं, बहुत सारे राग है जो ये समय चल रहा है राग गाने का। राग भैरव का जो एक पर्टिकुलर टाइम है वो है सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है राग भैरव। संधि प्रकाश राग क्या होते हैं, जो सुबह के सूर्य उगते समय और शाम को सूर्य ढलते समय का जो टाइमिंग होता है उस बीच में जो राग प्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं संधि प्रकाश राग। तो राग भैरव इज वन ऑफ द संधि प्रकाश राग। सो दैट्स व्हाई आपने बोला कि इस समय का जो राग हम गा सकते हैं तो हम राग भैरव इस समय गा सकते हैं। तो मैं राग भैरव आपने कहा कि मैं थोड़ा सा सुनाऊं, तो पहले तो मैं राग भैरव सुनाने से पहले आपको बताऊंगी कि राग भैरव एक दोहा है, रेधा कोमल धरे स्वर संवाद, प्रातः समय मिल गाइए संपूर्ण भैरव राग। ये दोहा जो है पूरे राग भैरव को ही दर्शा देता है क्योंकि राग भैरव में ध और रे वादी संवादी है, रे और ध कोमल सुर है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है और इसका गायन समय जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रातःकालीन राग है। तो अब मैं आपको राग भैरव प्रेजेंट करती हूँ। राग प्रेजेंट करने के लिए मैम सबसे पहले तो हम धीरे से विलंबित लय में आलाप करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे लय बढ़ाते हैं, बंदिश स्टार्ट की जाएगी आलाप के बाद जो कि तालबद्ध होगा। आलाप तालबद्ध नहीं होता लेकिन जो हम राग में प्रेजेंटेशन देते हैं बंदिश जो है वो तालबद्ध होता है। तो धीरे धीरे लय बढ़ाई जाएगी, बंदिश गाया जाएगा, फिर उस पर बोल जी उसमें भी जी आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो इसमें फिर सरगम होता है, फिर और अति द्रुत लय करके इसमें आप ताने भी कर सकते हैं। तो ये रहा राग भैरव जो मैं अब आपको मतलब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बताना चाहूंगी। बहुत ज्यादा वाइड नहीं करेंगे हम क्योंकि इसका फॉर्मेट पे से कहूंगी कि ये बच्चों को सिखाने के लिए है, उनको समझ आना चाहिए, मेन काम तो हमारा मोटिव यही है। आपको तानपुरे की आवाज आ रही है मैम जी? जैसा कि आप सुन रहे हैं कि राग भैरव में कोमल रे और कोमल धा, राग भैरव की बहुत खासियत चीज है रे और ध जो है वो आंदोलित होते हैं। Yeah.
राग में आपको करुण रस का भाव होगा। यह राग गंभीर प्रकृति का राग है, करुण रस और गंभीर प्रकृति। अब इसमें बोल आलाप होंगे, ये अभी मध्य लय चल रहा है। Ah!
दर्शन दे दो मारे पावा दर्शन दे दो इसे सरगम कहते हैं सागा मधा पा गा पा mama papa mama dada papa mama papa dada ni ni sa sa da ni sa ni sa ni da ba sa sa da ba ma ga ma re ga ka ba le mi no wa ke sha ye sargam ki taan chal rahi hai divya ji ji abhi tak hum bol alap kar rahe the lekin ab badhak ho rahi hai raag ki ka ba le mi no wa ke sha ने सागा मामा ने सागा मामा मापा गामा दागा पापा ने गरे मागा पामा ना पानी दारे गरे ना बसा ने आमा मागा माने गा मोगे शाम मैं जो बंदिश गा रही हूँ ये तीन ताल बद्ध है तीन ताल पे जी गाया जा रहा है साबने मिला मोगे शाम साने धने ने धने ने धने जा ने जा गा मा पा मा गा ने जा सा गा मा पा धा ने ना पा मा पा धा नी मा पा धा नी मा पा धा गा मा पा धा नी साने माने गा पा साने माने गा पा साने गा पा धा मा मा पा मा गा मा ने जा ओ हे शाम सुंदर वादा मरे मेरा ओ हे शाम गरे मगा पावा दावा ने ना जाने रे जाने रे जागा ने जाने जाने रे वावा पादा ने जाने जाने रे वावा जाने रे वावा पादा ने रे वावा मने गा वावा मगा मने जा सावन मिला शाम सुंदर वाला बन सारे गा वावा दानी सारे गा वावा गरे जागा बने मिला da ba 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 ga ma ga re ga ma da ba ma ga re za ka ba le mi ga o ge sha wa a ka ba le mi ga o ge sha ye akar ke taan hai ji a बले मिलोगे शाम बले मिलोगे शाम। दिव्या जी अब बच्चे दूसरी बंदिश सीखेंगे जी जो कि अब लय बढ़ रहा है बढ़त हो रही है। अभी तक थोड़ा सा विलंबित था फिर मध्य आया अब ये द्रुत चल रहा है इसके बाद अति द्रुत होगा। मोहे शाम श्याम सुंदर बना मोहन मुरारी ये कंपोजिशन मेरे पिताजी पंडित भोलानाथ मिश्रा जी की है।
श्याम सुंदर बना मोहना मुरारे, श्याम सुंदर बना मोहना मुरारे, देहो दरस मोगे कृष्ण मुरारी, देहो दरस मोगे कृष्ण मुरारी, श्याम सुंदर बना मोहना मुरारे, मगर दादा मा मगर दादी मा मगर दसा नी दा मा मगर दा रे सा नी दा मा मगर दा मा मगर सा नी दा मा मगर दा धनी सरे गा धनी सरे गा मा दा sare ga ma pa da ma ga ma da sa ga da ga ma pa ma ga re de ma da pa ga ma pa ma ga re de ma da pa ga ma re ga ma re ga ma re sha ma su da na ma na mo ha na mu da re sha ma su da na ma na mo ha na gama padani nidha papada mama magama dapa mapadani nene dani nene dani nene dani pani bani gani jeli sole dapada mama pada pada mama pada pada maga dapada maga sare gama da gare gama da re ma da gare gama da sare gama da nidha papa nidha mama padani sani da mama gare da nidha mama padani sani da mama gare da nidha mama padani sani da mama gare da mana mohana murari shyam sundara mana mohana murari abhi ati dur chal raha mana mohana murari shyam sundara mana mohana murari shyam sundara mana mohana murari devo darasa moge krishna murari devo darasa moge krishna murari shyam sundara mana mohana murari tumare darasa ko akhiya tarasa ta tumare darasa ko akhiya tarasa ta begi darasa moge bhagavari begi darasa moge krishna murari shyam sundara mana mohana murari shyam sundara mana mohana mana mohana murari mana mohana murari जी।
तो आप देख रहे हैं लगातार राग भैरव के ऊपर प्रस्तुतिकरण, आप जान रहे हैं यहाँ पर म्यूजिक के बारे में, आपने जाना कि राग भैरव क्या होता है, लेकिन म्यूजिक से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, स्पेशली राग भैरव जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं इससे जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ बात नहीं होती, कार्यक्रम में बात नहीं होती, तो आप हमें ईमेल पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है cit.kishoremanch@gmail.com। यहाँ भी बात नहीं बनती है तो आप हमें YouTube पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। YouTube पर हमसे जुड़ने के लिए आप टाइप करेंगे NCERT Official और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सभी प्रश्नों का उत्तर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। लगातार एक्सपर्ट बने हुए हैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपको अलग अलग विषयों पर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर शिल्पा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी यहाँ पर, लेकिन राग भैरव का बॉलीवुड में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से राग भैरव को बॉलीवुड में यूज किया जाता है, कौन कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो राग भैरव के साथ बने हुए हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको राग भैरव में कुछ एक दो बॉलीवुड सॉन्ग्स बता सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि बॉलीवुड प्रॉपर एक राग बेस्ड सॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि इट्स अ लाइट सॉन्ग और राग भैरव इज अ क्लासिकल। जी, अब लाइट और क्लासिकल में डिफरेंस क्या होता है कि क्लासिकल ना रागों के नियम अनुसार होते हैं, नियमबद्धता होती है उसमें। जैसे राग भैरव में कोमल रेधा यूज है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, तो वो है, अगर रेधा यूज है तो कोमल रेधा ही यूज है, आप उसे शुद्ध रे और शुद्ध धा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ छूट होती है। बॉलीवुड ही नहीं, इन लाइट सॉन्ग, इसकी कोई भी आप लाइट सॉन्ग लीजिए, उसमें दूसरे रागों के स्वर यूज करने के लिए छूट दी जाती है, तो सुंदरता बढ़ती भी है और वो गलत भी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम राग में वो चीजें करने लगे तो नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, फिर वो शास्त्रीय संगीत है ही नहीं, फिर तो वो लाइट ही बनने वाला है। तो ये कहना कि राग भैरव ही प्रॉपर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स जाना चाहेंगे या बच्चे जाना चाहेंगे, वो तो मैं नहीं कहूंगी कि है प्रॉपर होता है। हाँ, उसके आस पास आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट राग बेस्ड होते हैं बॉलीवुड, लेकिन प्रॉपरली कोई राग बेस पे आप बॉलीवुड नहीं कह सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि 1950s का जो टाइम था, बच्चे आजकल के बच्चे सुने होंगे ये गाना, उस समय पे 1950s के टाइम पे जब बेजू बावरा जी गाते थे, तो वो लोग, हाँ उस समय था कि जब नरगिस जी थी हीरोइन, तब उस टाइम पे ये था कि हाँ क्लासिकली आप सुन सकते हैं प्रॉपर, लेकिन आजकल के टाइम पे आप नहीं सुन सकते, नॉट पॉसिबल, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। आपने राग भैरव पे बॉलीवुड सॉन्ग बोला, तो मैं जहाँ मुझे अभी ध्यान आ रहा है राग भैरव पे, 1952 में बैजू बावरा मूवी का था वो, आप बच्चे सुने होंगे वो। मैं दो लाइन सुनाती हूँ। जी। मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, पावन कह गए अज हुए, आवन कह गए अज हुए, लीन मोरी खबरिया, भूल गए सावरिया। जी। अब ये बच्चे जरूर सुने होंगे आजकल के टाइम पे, क्योंकि बहुत ही प्रचलित बॉलीवुड सॉन्ग है। अब जैसे राग भैरव में 1956 का है, जागते रहो मूवी का, मुझे उसका अभी एक ही लाइन याद आ रहा है, ये भी सुना होगा, क्योंकि बच्चे मजाक मजाक में गा देते हैं अपने फ्रेंड्स को उठाने के लिए या कुछ भी कुछ चीजों के लिए। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे।
ये मुझे राग भैरव में भी फिलहाल याद आया, जी। आपने पूछा था जी। और डॉक्टर शिल्पा, जहाँ तक कि हम जानते हैं कि म्यूजिक में जितना प्रैक्टिकल करना आवश्यक होता है, जितना परफॉर्मेंस पे ध्यान देना आवश्यक होता है, जितना ज्ञान स्वर लय तालों का हमें रखना होता है, उसी के साथ साथ हमें हमारी थेरेटिकल एस्पेक्ट्स जो है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो मैं आपसे जानना बिल्कुल चाहूंगी कि अगर हम राग भैरव की बात कर रहे हैं, तो राग भैरव में इन शॉर्ट अगर बच्चों को नोट्स लिखना हो, तो उसमें क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण होती है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द राग भैरव, इवन आप अगर इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली थ्योरेटिकल पार्ट पता होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे अगर मैंने मुझे राग भैरव के बारे में ये नहीं पता होता कि राग भैरव में 7 सुर यूज होते हैं, राग भैरव संपूर्ण जाति का राग है, राग भैरव सुबह गाया जाता है, ये सब एस्थेटिकली तो है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी राग नहीं गा सकते हो। अगर राग भैरव सुबह का राग है, आप उसे शाम को परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट्स जी नॉट पॉसिबल। ये तो बिल्कुल ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के खिलाफ है। अब राग भैरव में जैसे अगर मुझे जी ज्यादातर उसकी विशेषता है कोमल रे और डॉक्टर शिल्पा, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, जी। मैं आपको बहुत अच्छे से देख भी पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ। अगर आप इसे थोड़ा सा भी इतना तो जानकार जिन्हें जानकारी है वो पहचानेंगे राग भैरव है। अब अगर आप कोई दूसरा राग ले लीजिए, हाँ मैं दर्शकों से यहाँ बार बार गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर म्यूजिक से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई क्वेरी है, या फिर आपका कोई सुझाव है, तो लगातार हमारे साथ एक्सपर्ट बने हुए हैं। आप कॉल करते रहिए, बात करते रहिए। देखिए, यहाँ पर बात नहीं होती, बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमसे ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है cit.kishormanch@gmail.com। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस टाइम पे चल रहा है और 45 मिनट का ये सेशन है। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। आप कॉल करिए, बात करिए। देखिए, यहाँ बात नहीं होती, आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं से भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं और इसके द्वारा अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। डॉक्टर शिल्पा, आप हमें सुन पा रही हैं? आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है डॉक्टर शिल्पा? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, हम बात कर रहे थे डॉक्टर शिल्पा राग भैरव के शॉर्ट नोट्स के ऊपर। जी बिल्कुल, तो वही जी। मैं आपको बता रही थी। तो अभी मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए कि जैसे राग भैरव राग यमन नहीं हो सकता, राग यमन राग भैरव नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अपने अपने एस्थेटिक्स हैं जो कि आपसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे राग यमन है, राग भैरव है, राग भैरव एक गंभीर प्रकृति का राग है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोमल रे और ध जो है वो करुण रस का भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि रे और ध आंदोलित है राग भैरव का। दूसरी बात यह कि राग भैरव संधि प्रकाश राग है, मैंने आपको बता दिया कि ये सुबह प्रातःकालीन राग है, दैट्स वाई वही सूरज उगते समय का राग है, तो संधि प्रकाश प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। और राग भैरव संपूर्ण जाति है, इसमें 7 स्वर यूज होते हैं और इससे मिलते जुलते राग दूसरे हैं रामकली कलिंगड़ा विभास और भी बहुत सारे। जी,
अब डॉक्टर शिल्पा, जैसे कि हमारा समय हो चला है इस कार्यक्रम को विराम देने का, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारा एक दादरा है, दादरा के बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, और अगर दादरा के ऊपर कुछ हमें आप सुना पाए। बिल्कुल, देखिए दादरा, यहाँ अभी तक हम क्लासिकल चल रहे थे, लेकिन अब आया उप शास्त्रीय संगीत, यानी दादरा इज अ सेमी क्लासिकल म्यूजिक। दादरा जो है चंचल प्रकृति का होता है, मतलब दादरा एक ताल है। दादरा ताल में गाए जाने वाले उपशास्त्रीय गीत को दादरा कहते हैं। अब उपशास्त्रीय संगीत क्या होता है ना, जिसमें लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों का मिश्रण होता है। मतलब इसमें आप, जैसे मैं आपको राग काफी में सुनाऊं, डॉक्टर शिल्पा आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हमारा कार्यक्रम है, हमारा सब्जेक्ट है म्यूजिक को लेकर के, और हमारा जो आज का विषय है वो है राग भैरव। राग भैरव से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जाते हैं। देखिए यहाँ बात नहीं होती, बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि हमारा स्वयं प्रभा किशोर मंच कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से नंबर पर अवेलेबल है, तो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चैनल नंबर्स फ्लैश किए जाते हैं, आप वहां से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी स्टेट में हो, हमसे जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम में अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। देखते रहें किशोर मंच, बने रहें किशोर मंच के साथ, लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।